नमस्कार स्टूडेंट, माय नेम इज मिनी सेठी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोड ऑफ एथिक्स। पहले मैंने एथिक्स के बारे में बताया था, आज हम बात कर रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एथिक्स क्या होते हैं। कुछ मोरल प्रिंसिपल होते हैं जो हमें सही और गलत का फर्क बताते हैं। ठीक है, बिजनेस एथिक्स बेसिकली क्या होता है, कुछ मोरल प्रिंसिपल होते हैं जो हमें सही और गलत का डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर लिया कि वो अपना बिजनेस एथिकली चलाएगा, वो एथिकल प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेगा, बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग चलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड कर लिया। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल काम करते हैं। ठीक है, तो हर एक के लिए एथिक्स का मतलब डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, एथिक्स क्या होता है, मोरल प्रिंसिपल जो हमें डिफरेंस बताते हैं सही और गलत के बीच में। तो हर एक एम्प्लॉयज के लिए जरूरी नहीं सही और गलत का मतलब एक जैसा ही हो। जो मेरे लिए सही है वो किसी और के लिए गलत हो सकता है, जो मेरे लिए गलत है वो दूसरे के लिए सही हो सकता है। तो इस तरह की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर देता है, रिटर्न में कुछ गाइडलाइन जारी करता है। ठीक है, किसके लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए। उन्हीं गाइडलाइन को देखते हुए आपको क्या करना है, बिहेव करना है। ठीक है, तो बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स क्या होती है, रिटन गाइडलाइन होती है इश्यूड बाय ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए, जो उनको हेल्प करती है अपनी एक्टिविटी एथिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंडक्ट करने में। ठीक है, समझ में आया। एथिक क्या होते हैं, कोड ऑफ एथिक्स कुछ रिटन में गाइडलाइन होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। किसके लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए, ताकि उन गाइडलाइन को देखते हुए वो एथिकली बिहेव करे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोड ऑफ एथिक्स क्या है, ऑलवेज टॉक पोलाइटली विद कस्टमर हाउ एवर ही और शी बिहेव। कस्टमर आप कैसे भी बात करें लेकिन आपको हमेशा पोलाइटली उसके साथ बात करनी है। अगर वो ओरली ऐसे ही बता देगा कि पोलाइटली बात करनी है, तो अब क्या होता है, एक बंदा है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो इजीली अपना टेंपर लूज कर देता है। कस्टमर उसको कुछ कहता है, उसको चार सुना देता है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो क्योंकि उस बंदे का नेचर डिफरेंट है, वो जल्दी उसको टेंपर लूज हो जाता है, जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ये गाइडलाइन जारी कर देगा, चाहे आपका नेचर कैसा भी है, चाहे आपको कितना भी गुस्सा है, लेकिन आपको कस्टमर के साथ पोलाइटली बात करना है। क्योंकि हमारा जो कोड ऑफ एथिक है वो क्या है, कस्टमर के साथ पोलाइटली बात करना, वो जैसे ही बिहेव करे। ठीक है, तो बेसिकली जो कोड ऑफ एथिक क्या होते हैं, एक तरह की गाइडलाइन होती है जो एम्प्लॉयज के लिए जारी की जाती है, ताकि उन गाइडलाइन को देख वो ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स रिटन सेट ऑफ गाइडलाइन। बेसिकली क्या होता है, रिटन सेट ऑफ गाइडलाइन इश्यूड बाय ऑर्गेनाइजेशन। रिटन सेट ऑफ गाइडलाइन इश्यूड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, हेल्प देम टू कंडक्ट देयर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, रिटन गाइडलाइन होती है जो कौन इश्यू करता है, ऑर्गेनाइजेशन इश्यू करता है। किसके लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए, ताकि जो एम्प्लॉयज उसके यहाँ पे काम कर रहे हैं वो इन्हीं एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बिहेव करें। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कस्टमर के साथ हमेशा पोलाइटली बात करना, वो जैसे भी बिहेव करे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, कोड ऑफ एथिक्स का एग्जांपल है। ठीक है, जो जैसे मान लो आप मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स के जो एम्प्लॉयज है वो एक जैसे ही बिहेव करेंगे, क्योंकि वो सारे जहां भी आप जाओगे मैकडोनल्ड्स के एम्प्लॉयज क्या करेंगे, एक जैसे बिहेव करेंगे, क्योंकि वो सारे क्या करें, कॉमन कोड ऑफ एथिक्स के अंडर काम करें। इस तरह पिज्जा हट में चले जाओ, वहां भी क्या करेंगे, एम्प्लॉयज एक जैसा बिहेव करेंगे, क्योंकि उन वो सब भी क्या कर रहे हैं, एक कॉमन कोड ऑफ एथिक्स के अंडर ही काम कर रहे हैं। आप पीसी में जाओगे, ठीक है, पीसी ज्वेलर वाला है, अगर मान लो साउथ एक्स में चले जाओ, जीके में चले जाओ, ठीक है, दिल्ली में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उनकी ब्रांचेस है, वहां पे चले जाओ, तो वहां पे आपको एक जैसा एनवायरमेंट देगा, वहां पे आपके जो एम्प्लॉयज का जो बिहेवियर होगा, जो कस्टमर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी ऑलमोस्ट एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, एक कॉमन कोड ऑफ एथिक्स के अंडर वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कई कई तरह के कोड ऑफ एथिक्स हो सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान लो वी विल
always keep positive attitude towards customer. ठीक है, हमें हम हमेशा क्या करते हैं, कस्टमर के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, या वी नेवर डिससैटिस्फाई कस्टमर. ठीक है, जैसे वी प्रोवाइड क्वालिटी एट प्रोडक्ट. ठीक है, हम हमारे प्रोडक्ट में हमेशा क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो ऐसे कई तरह से की स्टेटमेंट हो सकती है. जैसे ये तो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट हो सकती है. ठीक है, तो वो स्टेटमेंट वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जारी करेगा, ताकि उन्हीं स्टेटमेंट को देखते हुए एम्प्लॉइज क्या करे, अपना एथिकल बिहेवियर करे. ठीक है, तो एथिकल बिहेवियर होता है बेसिकली एक तरह का स्टैंडर्ड का काम करता है. एथिकल जो ये क्या है, कोड ऑफ एथिक क्या है, बेसिकली एक स्टैंडर्ड का काम करता है. इन्हीं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो इम्प्लॉइज है वो क्या कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को भी जज कर सकते हैं और दूसरों के बिहेवियर को भी जज कर सकते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, कोड ऑफ एथिक क्या, बेसिकली एक स्टैंडर्ड का काम करते हैं. इन स्टैंडर्ड को देखते हुए इम्प्लॉइज अपने बिहेवियर को भी जज कर सकते हैं और दूसरों के बिहेवियर को भी जज कर सकते हैं. क्या मैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइन जारी की है, क्या मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ. जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइन जारी किया है कि हमेशा कस्टमर के साथ पोलाइटली टॉक करना है, उसको क्वालिटी ऑफ सर्विस देनी है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना है. ठीक है, तो उससे प्रॉपर फीडबैक लेनी है. तो ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन है, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ एथिक है, क्या मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ. ठीक है, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है, क्या मैं इसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा हूँ. अपने बिहेवियर को भी जज कर सकता है प्लस दूसरे के बिहेवियर को भी जज कर सकता है. क्या ये बंदा कोड ऑफ एथिक के काम कर रहा है, क्या वो बी बंदा कोड ऑफ एथिक के अकॉर्डिंग काम कर रहा है. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कोड ऑफ एथिक के लिए कुछ गाइडलाइन होती है रिटर्न में जो ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है किसके लिए, अपने एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग, ताकि वो उन गाइडलाइन को देखते हुए एथिकली बिहेव करे. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा. थैंक यू.